मैं हूं उस्मा आरिफ। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। कैनेडियन वजीर खारजा का मजीद जंगी जहाज अब नए ताइवान भेजने का ऐलान। मेलानी जूली का कहना है कि कैनेडा इंडो पैसिफिक खित्ते में तैनात फ्री गेट्स की तादाद बढ़ाकर 3 कर देगा। चीनी हुकाम ने कैनेडियन वजीर के बयान को नामुनासिब करार दे दिया। कनाडा में बच्चों में फ्लू इन्फेक्शन तेज़ी से बढ़ने लगा। माहरीन ने हुकूमत से मसले के तवील मुद्दती हल का मुतालबा कर दिया। माहरीन का कहना है कि इस साल अब तक इन्फ्लुएंजा का इब्तदाई और शदीद सीज़न रहा है। कनाडा में माहरीन ने खाने पीने की अशिया मज़ीद महंगी होने का खदशा। रिपोर्ट में कहा गया है कि खाने पीने की अशिया की कीमतों में होशरुबा इजाफा होगा। सब्जियों की कीमतों में सबसे ज़्यादा इजाफा देखा जा सकता है। अफगानिस्तान बलख में धमाका, 5 अफराद जा बहक। ऑयल कंपनी के मुलाजमीन की बस को बम धमाके का निशाना बनाया गया। सिक्योरिटी हुक्काम वाकये की मजीद तहकीकात कर रहे हैं। बरतानिया में एक और बड़ी मुसीबत की पेशगोई। दर्जा हरारत नुक्ता इंजमात से 10 डिग्री नीचे जा सकता है। महकमा मौसमियात का कहना है कि बरतानिया में रवा हफ्ते शदीद सर्दी का इम्कान है। हेडलाइंस आपने जानी और अब खबरें तफसील के साथ। लॉन्ड्री इज नो लॉन्गर अ हैसल। Just toss an EcoFresh detergent strip into the washer for a convenient, eco-friendly yet powerful wash. Hypoallergenic, safe for sensitive skin. Say no to bulky plastic jugs and bottles. No more measuring and spilling. Just one strip for a load. Simple and squeaky clean. Plastic-free, biodegradable packaging. Organic, paraben, phosphate, dioxane, and cruelty-free. Order now at www.ecofreshcanada.ca or at Amazon. क्या आप कनाडा की इमिग्रेशन और सिटीजनशिप लेना चाहते हैं या कनाडा में स्टडी करना चाहते हैं? लाइटो इमिग्रेशन न सिर्फ आपको कनाडा की इमिग्रेशन और सिटीजनशिप दिलवाने में आपकी मदद कर सकते हैं, बल्कि आपको कनाडा में सेटल और इन्वेस्ट करने के रास्ते भी सुझा सकते हैं। Lito Immigration is a regulated Canadian immigration consultant. We deal in study, work, PNP and PR visas. Get startup visas, work permit and business visas. We rise by lifting others. Lito Immigration. कनाडा की वजीर खारजा मेलानिया जूली का कहना है कि कनाडा आबनाए ताइवान से गुजरने के लिए मजीद जंगी जहाज भेजने का इरादा रखता है, ताकि ये जाहिर किया जा सके कि चीन के दावे करदा पानी बैनुल अक्वामी है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कनाडा की वजीर खारजा मेलानिया जूली ने पीर के रोज़ कहा कि कनाडा आबनाए ताइवान से गुजरने के लिए मजीद जंगी जहाज भेजने का इरादा रखता है, ताकि ये जाहिर किया जा सके कि चीन के दावा करदा पानी बैनुल अक्वामी है। चीनी हुकाम ने बारहा अपने अमरीकी हम मनसबों को बताया कि बीजिंग मैनलैंड के मशरकी साहिल और ताइवान के दरमियान आबनाए को बैनुल अक्वामी पानी के तौर पर तस्लीम नहीं करता। इसके अलावा कनाडा ने हाल ही में अपनी हिंद बहरुल काहिल हिकमत अमली की नकाब कुशाई की, जिसने बीजिंग को बढ़ती हुई तबाहकुन आलमी ताकत करार दिया। कैनेडियन वजीर खजाना का कहना था कि जब आबनाए ताइवान की बात आती है तो हम बैनुल अक्वामी कवानीन पर मबनी हुक्म को नाफिज करना जारी रखेंगे, और इसी वजह से इस मौसम गर्मा में हमारे पास अमरीकियों के साथ एक फ्रीगेट भी आबनाए ताइवान से गुजर रहा था और हम वहां से मजीद जहाज़ों को गुजारना चाहते हैं। वजीर के मुताबिक कनाडा इंडो पैसिफिक खत्ते में तैनात फ्रीगेट्स की तादाद बढ़ाकर 3 कर देगा, साथ ही इजाफी तादाद में सिफारतकारों और मिलिट्री अताशियों को भी तैनात करेगा। मजमूई तौर पर 400 मिलियन कैनेडियन डॉलर्स खत्ते की सलामती में लगाए जाएंगे। दूसरी जानब चीनी वजारत खारजा की तर्जुमान माओ नेंग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि चीन मुतअद्दिद मरतबा वाज़ह कर चुका है कि उसे आबनाए ताइवान पर इक्तदार आला, खुद मुख्तार हुकूक और दायरा इख्तियार हासिल है। उन्होंने इन ख्यालात का इजहार कनाडा की वजीर खारजा की जानिब से कनाडा आबनाए ताइवान तक मजीद फौजी जहाज भेजेगा के बयान पर किया। माओ नेंग ने निशानदेही की कि चीन किसी भी मुल्क की जानिब से आज़ाद जहाज रानी के बहाने चीन के इक्तदार आला और सलामती के खिलाफ इश्तियाल अंगेजी या धमकी आवेज रवैये की भरपूर मुखालफत करता है। कनाडा भर में फ्लू इन्फेक्शन के सबब अस्पतालों में दाखिल होने वाले बच्चों की तादाद में इजाफा देखने में आ रहा है।
मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कनाडा में बच्चों में फ्लू इन्फेक्शन तेजी से बढ़ने लगा। मुल्क भर में फ्लू इन्फेक्शन के सबब अस्पतालों में दाखिल होने वाले बच्चों की तादाद में इजाफा देखने में आ रहा है। माहिरीन ने हुकूमत से मसले के तवील मुद्दती हल का मुतालबा किया है। डॉक्टर्स का कहना है कि ये सूरत हाल बच्चों के अस्पतालों और कम्युनिटी में देखभाल फराहम करने वाले दोनों पर देरीना दबाव के बायस इन्फ्लुएंजा में इजाफे की अक्कासी करती हैं। हफ्ते के आखिर में मुल्क भर के अस्पतालों को इन्फ्लुएंजा की बीमारियों में इजाफे से निमटने के लिए बाकायदा खिदमात को कम करने पर मजबूर किया गया। 26 नवंबर को कनाडा की फ्लू वॉच की पब्लिक हेल्थ एजेंसी ने इन्फ्लुएंजा से मुतासिर 16 साल और इससे कम उम्र के 223 बच्चों के अस्पतालों में दाखिल होने की इत्तला दी। माहिरीन का कहना है कि इस साल अब तक इन्फ्लुएंजा का इब्तदाई और शदीद सीजन रहा है, जिसने बच्चों को खास तौर पर सख्त नुकसान पहुँचाया है। इस सीजन में अब तक अमरीका में 14 नौजवान हलाक हो चुके हैं। कनाडा में वफाकी सेहत के हुकाम ने इस सीजन में अब तक 16 साल और इससे कम उम्र अफराद में इन्फ्लुएंजा से होने वाली अमवात की सही तादाद जारी नहीं की है, लेकिन उनका कहना है कि ये 5 से कम है। कोविड-19 वबाई मर्ज से पहले इस उम्र के ग्रुप के लिए अमवात की तादाद सालाना सिंगल हिंसों में थी। कनाडा में खुराक की कीमतें नए साल में बढ़ती रहेंगी। 2023 में ग्रोसरी की कीमतों में 7% तक इजाफे की पेशगोई की गई है। दीगर अहवाल जानते हैं इस रिपोर्ट में। कनाडा में माहरीन ने खाने पीने की अशिया मजीद महंगी होने का खदशा जाहिर किया है। कनाडा में खुराक की कीमतें नए साल में बढ़ती रहेंगी। 2023 में ग्रोसरी की कीमतों में 7% तक इजाफे की पेशगोई की गई है। कनाडा की फूड प्राइस रिपोर्ट के 13वें एडिशन में कहा गया है कि 4 अफराद के खानदान के लिए कुल सालाना ग्रोसरी बिल $16,288 $1,065 इस साल के मुकाबले में ज्यादा होने की तवक्को है। रिपोर्ट और स्टैटिस्टिक्स कनाडा के मुताबिक अपनी 40 की दहाई में एक अकेली औरत जो कनाडा में औसत उम्र है, अगले साल ग्रोसरी के लिए तकरीबन $3,740 अदा करेगी, जबकि इसी उम्र का एक मर्द $4,168 अदा करेगा। माहरीन ने कहा है कि 2023 की पहली शिशमाही में खुराक की अफरात ज़र सख्ती से बुलंद रहने वाली है। जब आप गजाई अफरात ज़र के मौजूदा दौर को देखते हैं जिसमें हम अभी हैं, 2023 का पहला हिस्सा चैलेंजिंग रहेगा, लेकिन हम इसका अख्ताम देखना शुरू कर रहे हैं। रिपोर्ट में कहा गया कि मौसमियाती तब्दीली, जोग्राफियाई सियासी तनाजा, तवानाई की बढ़ती हुई कीमतें और कोविड-19 के देरपा असरात जैसे मुतादिद अवामिल अगले साल खुराक की कीमतों को मुतासिर कर सकते हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि सब्जियों की कीमतों में सबसे ज्यादा इजाफा देखा जा सकता है। एक अंदाजे के मुताबिक लागत में 8% तक इजाफा होगा। अफगानिस्तान के शुमाली सूबे बलख में एक ऑयल कंपनी के मुलाजमिन को ले जाने वाली बस में धमाके से 5 अफराद जा बहक हो गए। दीगर अहवाल जानते हैं इस रिपोर्ट में। अफगानिस्तान के शुमाली सूबे बल्ख में एक ऑयल कंपनी के मुलाजमीन को ले जाने वाली बस में धमाके से 5 अफराद जा बहक हो गए। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक बल्ख में ऑयल कंपनी के मुलाजमीन को लेकर जाने वाली गाड़ी के करीब धमाके में 5 अफराद हलाक और मुतादिद जख्मी हो गए। बल्ख पुलिस के तर्जुमान के मुताबिक दहशतगर्दों की जानिब से आज सुबह 7 बजे मजार शरीफ शहर के जिला 3 में सैयदाबाद मोड़ के करीब ऑयल कंपनी के मुलाजमीन की बस को बम धमाके का निशाना बनाया गया। अफगान पुलिस के तर्जुमान ने बताया है कि धमाके के नतीजे में 4 अफराद जख्मी भी हुए हैं। लाशों और जख्मियों को मकामी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। पुलिस तर्जुमान का कहना है कि धमाका मकामी वक्त के मुताबिक सुबह 7 बजे हुआ। लाशों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। अब तक किसी तंजीम ने धमाके की जिम्मेदारी कबूल नहीं की है। सिक्योरिटी हुकाम वाकये की मजीद तहकीकात कर रहे हैं। अफगान पुलिस के मुताबिक अभी तक किसी गिरोह की जानिब से धमाके की जिम्मेदारी कबूल नहीं की गई है। लंदन से महकमा मौसमियात का कहना है कि रवां हफ्ते शदीद सर्दी का इम्कान है। हुकूमत ने आवाम को हिदायत की है कि वो सर्दी से बचाव के लिए इकदाम करें। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। बरतानिया में सर्दी और बर्फबारी हुई है। लंदन से महकमा मौसमियात का कहना है कि इसकी वजह से रवां हफ्ते शदीद सर्दी का इम्कान है। कोरोना वबा के बाद 40 साल की बदतरीन महंगाई का सामना करने वाला बरतानिया अब एक और बड़ी मुसीबत का सामना करने वाला है। महकमा मौसमियात ने मुल्क में शदीद तरीन सर्द मौसम की पेशगोई की है। हुकूमत ने आवाम को हिदायत की है कि वो सर्दी से बचाव के लिए इकदाम करें और गैर जरूरी तौर पर घरों से बाहर ना निकलें। महकमा मौसमियात के मुताबिक बरतानिया में दर्जा हरारत -10 तक गिर सकता है। महकमा मौसमियात ने खबरदार किया है कि इस हफ्ते बरतानिया में शदीद सर्द मौसम आने वाला है, जहां रातों रात दर्जा हरारत 6 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर जाएगा। हेल्थ सिक्योरिटी एजेंसी ने सर्द मौसम का 3रा दर्जे का अलर्ट जारी कर दिया है। महकमा मौसमियात ने स्कॉटिश हाईलैंड्स में निचली सतह पर 2 इंच और सतह समंदर से 650 फीट बुलंदी वाले इलाकों में 4 इंच तक बर्फ पड़ने की वार्निंग जारी की है। हेल्थ सिक्योरिटी एजेंसी ने
सर्द मौसम का तीसरे दर्जे का अलर्ट जारी कर दिया है। अगले हफ्ते लंदन में बर्फबारी और ज़ालाबारी का इम्कान है। लंदन में दर्जा हरारत रात को -2 तक गिरने का इम्कान है। महकमा मौसमियात ने कहा कि घरों का दर्जा हरारत कम से कम 18 सेंटीग्रेड तक रखा जाए, जबकि सर्दी बढ़ने पर घरों की खिड़कियां और दरवाजे मुकम्मल बंद रखें। दर्जा हरारत इतना कम होगा कि मुल्क में कहीं भी बर्फ पड़ सकती है। लोगों पर जोर दिया जा रहा है कि वो तवानाई की कीमतों में इजाफे के बावजूद अपना हीटिंग सिस्टम इस्तेमाल करें और उन लोगों का खास तौर पर ख्याल रखें जो कि कमज़ोर हैं। टैग टीवी के पाकिस्तान स्टूडियो से फ़िलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए टैग टीवी।